हिंदी बॉलीवुड के काफी फेमस एक्टर अजय देवगन को हाल ही में मुंबई के कालीना एयरपोर्ट के बाहर देखा गया था, जहां वो मीडिया से घिरे नजर आए थे। 55 साल के इस एक्टर को अपनी लग्जरी एसयूवी कार से बाहर निकलते हुए देखा गया था। एक्टर उस वक्त काले रंग की पैंट के साथ सफेद टी शर्ट में दिखाई दिए। सुपरस्टार ने अपने लुक को सनग्लासेस से और भी ग्लैमरस बनाया। बॉलीवुड स्टार काजोल और उनके पति अजय देवगन ने रुककर फोटोग्राफरों के साथ बात की और फिर वहां से निकल गए। एक्टर कहां जा रहे थे इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक्टर पेपराजी के साथ बातचीत में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने साल 2023 में कॉफी विद करण में पेपराजी के बारे में बात की थी। शो के होस्ट और फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने अजय देवगन से पूछा था कि आपकी बेटी सोशल पेपराजी के दायरे में है, क्या ये आपको परेशान करता है कि वो जहां भी जाती हैं पेपराजी उनकी हर जगह फोटो खींचते हैं। अजय देवगन ने जवाब में कहा कि बेशक उन्हें ये पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन आप इसे बदल नहीं सकते, इसलिए आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक्टर से पूछा गया कि उन्हें कभी एयरपोर्ट पर क्यों नहीं देखा गया तो वो बोले, मैं उन्हें फोन नहीं करता। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब अजय देवगन को एयरपोर्ट पर देखा गया था। अजय देवगन के इंस्टाग्राम पर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उन्हें इंस्टा पर 12 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। एक्टर ने कुछ दिनों पहले ही अपने भतीजे दानिश को जन्मदिन की बधाई दी थी और उस पर उनकी जमकर तारीफ भी हुई थी। अजय ने लिखा था कि उन्हें उन पर बहुत गर्व है, इसके साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। एक्ट्रेस काजोल ने भी दानिश देवगन को बर्थडे विश करते हुए अपनी एक शानदार फोटो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की थी। फोटो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने प्यारा सा बर्थडे विश का कमेंट भी किया था। दानिश फिलहाल अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सन ऑफ सरदार 2 पर काम कर रहे हैं। बता दें कि ये फिल्म 2012 में आई एक्शन कॉमेडी सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। इस फिल्म का डायरेक्शन अश्विनी धीर ने किया था। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और जूही चावला मेन रोल में थे। बता दें कि अजय इससे पहले फिल्म मैदान में नजर आए थे। इसके अलावा एक्टर आगे सिंघम अगेन, रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 में नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि एक्टर ने कब बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। अजय ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। ये फिल्म उस समय सुपरहिट फिल्म रही थी। इस फिल्म में दो मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर किया गया स्टंट आज भी लोगों के दिमाग में बसा है। लोगों ने इस स्टंट को बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में किए उनके रोल के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उनकी अगली फिल्म जिगरा 1992 में आई थी, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। ये दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म ने उस वक्त 7 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद उन्होंने संग्राम 1993, विजयपथ 1994, दिलवाले 1995, सुहाग 1994, नाजायज 1995, दिलजले 1996 और इश्क 1997 जैसी सफल फिल्मों में एक्टिंग किया। 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की बॉलीवुड ड्रामा जख्म में एक्टिंग किया और उन्हें फिल्म में उनके रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पहला नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिला। 1999 में उनकी सबसे चर्चित फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने वनराज का किरदार निभाया था। ये एक ऐसा रोल था जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इस फिल्म से भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।